कला की जादुई नगरी में आपका स्वागत है। ये है फिल्म सिटी मुंबई और आज हम करेंगे इसका सफर, देखेंगे शूट लोकेशंस, सो द फेमस टेंपल दैट यू सी इन ऑल द टीवी सीरियल शूटिंग, मिलेंगे आर्टिस्ट से, हेलो केमचो सलाम अलैकुम कैसा काय, और देखेंगे लाइव परफॉर्मेंस। एंड वी विल आल्सो लर्न एंड नो द इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड प्रोडक्शन। कुर्सी की पीटी बांध लो क्योंकि हम चल रहे हैं सितारों की नगरी में। What's up guys, it's Krishma and welcome to my channel. So today I am covering a very interesting park. This is the Bollywood Park which is in Goregaon Film City. And ye park mein hum Film City ka tour karenge, plus I'll show you the new attractions, the live performances and all that you can enjoy over here. So let's go and have some fun and hopefully get to see some stars. सिटी ये गोरेगांव ईस्ट में है और इसके टूर के लिए टिकट ऑनलाइन या फिल्म सिटी के गेट पे मिलता है। फॉर ऑनलाइन टिकट बुकिंग यू कैन हेड टू द वेबसाइट bollywoodpark.com, सेलेक्ट योर टाइम स्लॉट एंड गेट योर टिकट। बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन इज रेकमेंडेड एज यू कैन स्किप द क्यू एंड ऑल्सो सेलेक्ट योर डिजायर्ड टाइम स्लॉट टू। So the entry ticket to this place is ₹999, which includes a 3-hour guided tour of the entire Bollywood park. It also includes the attractions and dubbing studio. There's also live performances that also you can enjoy over here. चलो फिर चलते हैं सितारों की दुनिया में। The tour starts with a tour of the film city, which is a 1.5-hour tour. For which we board the bus and this is a guided tour along with our tour guide that shows us the shoot locations and film sets. And if you get lucky, live shooting देखने का भी मौका मिलता है। Right side में शाहरुख खान आए थे, शाम को कल आए थे पूरी शूटिंग, रात में ज़्यादा करते हैं ये लोग, दिन का सीन रहता है तभी दिन में। थर्माकोल लकड़ी कपड़े प्लाईवुड की सहायता से कोठी महल हवेली घर इलाका शहर सब कुछ बनाया जाता है। गंगू भाई देखा संजय लीला की अगली फिल्म है ये। इसके पहले पद्मावती का महल रामलीला में गुजरात बाजी राम मस्तानी यही तो बनाई गई थी। आपने देखा होगा जोश, शाहरुख खान की बहुत बुरी फिल्म थी जोश, इसमें गोवा बनाकर इस जगह पर दिखाया गया था, इसलिए हम इसे मिलाने का टूर नहीं होता है, लेकिन मुझे सूत्रों से पता चला है कि अनुपमा रास्ते में शूटिंग चल रही थी। इसी वैरायटी के अंदर से थोड़ा सा जगह देखकर देखिएगा, अंदर शूटिंग चल रही है, वहां लेके जाएंगे, कैंपस में डाल दो, डायरेक्ट शूटिंग देखेंगे हम, समझ रहे हैं, क्योंकि घुमा के आएगी गाड़ी तो फिर ब्रेक हो जाएगा खाने का। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट यानी गोकुलधाम सोसाइटी पूरी तरह से पैक है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, बट द रोड्स आउटसाइड आर क्वाइट विजिबल। ये गली को गोकुलधाम गली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे आउटडोर शूट्स भी हुए हैं। बिग बॉस देख सकते हैं, जैसे आप सलमान खान आते थे, अभी सलमान खान का बन गया, तो साउथ के लोग आ गए, साउथ मोहनलाल को जाते हैं, मोहनलाल साउथ के बहुत बड़े बिग बॉस, ये देखो चलते रहिए। Love is love.
the famous temple that you see in all the TV serial shooting is right behind over there. And फिलहाल इसके अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं है. So this is the iconic place जहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की और even TV series की shooting होती है. And in this tour we get to see it. And luckily today there is no shoot, so we can actually go inside. So let me take you. There is no god or goddess inside the temple and it's completely empty. And shooting hisab se they even change the color of the temple, change the murti. Later we witness another live shoot of an ant TV serial Mahanayak. This serial was also being shot at a very popular and one of the oldest shoot locations of the film city. That is the Bagban House. और यही वो घर है जहाँ से रोहित ने कोई मिल गया में जादू को बुलाया था. The song रंग बरसे was also shot over here, तो ये एक iconic जगह जरूर है. सलमान खान ने कपूर का शो शुरू किया था, कल आए थे अनिल कपूर, आए थे बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटी का शो था. One and a half hours tour of the Film City Park, and now we are heading inside the Bollywood Park. As you can see, this is a newer attraction and it is beautiful. This park is also included, so we can go inside, see the attraction, see how film shooting happened, and even see the sets and also different other behind the camera scenes and how the production details. So let's go inside and check out the tour. There is this huge wall of fame which is all hand paintings of the wall of iconic movies and actors that they have painted, and it is massive wall. It is as soon as you enter the park, so it's a nice entry to the park. So again, one more attraction that is behind me, that is like a police station, that is the park entry, and you go walk ahead to see the different attractions. It's like a very nice beautiful park. Costumes over here for ₹100 and take photos with the photo sets over here. There are many different costumes. I can see a Mastani costume over here and robot costume and other different iconic movies costumes that we have seen in the movies that you can wear and take pictures. So this is the throne area that you can sit and take pictures with, and it's a beautiful throne. As you can see, ये पूरी राजा वाली feeling आती है. Pictures. This is the throne over here. There's a 3-idiot seat, there's huge tablas, there's jail ka scene, and even Golmaal ka bada sa bike, which is like a 4 or 5 seater bike, which is unusual. They equipped it over here at photo props where you can click pictures and you'll have a great time as well. फिर वक्त आ गया था फिल्मों का बिहाइंड द सीन्स को देखने और जानने के लिए कि मूवीज बनाते कैसे हैं. ये जगह को क्रोमा कहते हैं, यानी कि ग्रीन स्क्रीन. यहाँ मिस्टर वर्मा ने हमें मूवी सीक्रेट्स के बारे में बड़े ही एंजॉयबल और खूब तरीके से बताया. और यही कहते हुए कि कभी बचपन तो कभी जवानी है, गुजरती किस तरह से जिंदगानी है, कौन किस पर मेहरबान होता है, बॉलीवुड के चाहने वाले आए हमको वेलकम सुस्वागत बड़ी मेहरबानी है. ये जादुई पर्दा है, ब्लैक पर्दा भी हो सकता है, ब्लू पर्दा भी हो सकता है, काला, नीला और हरा. फिल्मी एक्टर भी आजकल शूटिंग ऐसे करते हैं. डरता है
पिलार से और बीबी की फटकार से। तो उसमें क्या कि जो हुसैन डायलॉग बोल रहे कलाकार वो डबिंग है, डायलॉग है और चीजें उनकी आवाज कैसे आएगी तो उसके लिए जुगाड़ करना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा आवाजों को रिकॉर्ड करने की कला को कहते हैं फॉली। बादल गरजने की आवाज, अगर ये नहीं रोकते तो ये स्टूडियो थोड़ा 10 इंच ऊपर उठ जाए। बॉलीवुड टूर पे तुम्हें आना, लाइट कैमरा एक्शन की जान जाना, और देखो 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 बॉलीवुड, देखो 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 बॉलीवुड। अरे मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो पार्क। यहाँ पे ऑल्सो उन्होंने बाहुबली का सेट काइंड ऑफ बना के रखा है। दिस इज द गोवा वाला पंजिम एरिया विच इज दिस कलरफुल बिल्डिंग्स ओवर हियर, एंड दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, द महलों का स्ट्रक्चर एंड ऑल। इट्स सो फैसिनेटिंग टू लुक एट देम, इवन दो इट्स ऑल फेक बट इट लुक्स सो रियलिस्टिक, एंड इवन इफ आई यू टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल यू फील लाइक आई एम इन गोवा। Lots to come here, but I would recommend you come after lunch or before lunch because अंदर खाने के लिए कोई facility नहीं है। 11 को आए and we are starving, कुछ खाया नहीं है दोपहर से। So otherwise you can bring your own food inside, but make sure you do not litter. So otherwise bring some snacks and have something to eat because बहुत ही लंबा चलता है tour, so you get hungry. So this is a pro tip that I want to give. The last show was a live performance which I was looking forward to. यहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई टीवी शो देख रहे हैं। आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखकर बहुत मजा आया एंड फुल ऑन एंजॉय किया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गायिका वंशिका वर्मा आप सभी का बॉलीवुड पार्क में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लाइट कैमरा एक्शन हेलो केम चो सलाम वालेकुम कसा का है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी आइए गोरेगांव फिल्म सिटी में। और माशाल्लाह मैडम ने भी अच्छा एनर्जी दिखाया है यहाँ पे, मैंने परफॉर्म किया तो उन्होंने भी अच्छा मेरे साथ में परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So we saw the live performance and it was fantastic and बहुत मज़ा आया। This was my first time watching a live performance of artists performing on the stage and बहुत ही colorful है, मज़ा आ गया। If you ever dream of going to like real shows and all, you can come here and enjoy and get the whole feel and experience as well. The ticket cost is ₹999 and पहले तो हमें लग रहा था it's way too expensive for like 3 or 4 hours. It's after that we came to this place, it's totally worth it. बहुत ही मज़ा आया सीइंग द लाइव परफॉर्मेंस, गेटिंग टू नो हाउ फिल्म मेकिंग इज बीन डन एंड उनके बिहाइंड द सीन सब, तो पूरा पैसा वसूल है अकॉर्डिंग टू मी। सो एट द एंड ऑफ द टू
देयर आल्सो अ 70 थिएटर एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट. ये एंट्री पे ही है. इट्स अ 10 मिनट शो एंड इट्स अमेजिंग. बहुत सारे हवा पानी वगैरह इफेक्ट्स के साथ ही 70 थिएटर बनाया है एंड इट इज सो मच फन. ऑल्सो दिस 70 थिंग इज इंक्लूडेड इन द टिकट दैट यू हैव बॉट. सो एवरीथिंग इज इंक्लूसिव. सो डू नॉट मिस दिस व्हेन यू कम हियर. So this was a tour of the Bollywood Park here in Goregaon, Mumbai. It's such an interesting park and there's so much to learn and more about filmmaking and interesting behind the scenes as well. Hame yahan pe aake bahut maza aaya and hope you guys got to know about this place and come to this place and enjoy and support this artist as well. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in a new place in a new city. Bye.